एक गांव में धनी सेठ रहा करता था। उसका नाम था जेठालाल। जेठालाल की 3 बेटियां थी। सबसे छोटी देखने में बहुत ही सुंदर थी और समझदार भी थी। एक दिन जेठालाल कहता है, मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, तुम तीनों एक साथ रहना और अपना ख्याल रखना। ठीक है पिताजी, आप जाइए, हम तीनों अपना ख्याल रखेंगी। ठीक है, मैं अब निकलता हूँ, तुम तीनों एक साथ रहना और अपना ख्याल रखना। ठीक है, इतना करके जेठालाल अपने काम के सिलसिले में निकल पड़ता है। एक दिन जेठालाल काम से लौट रहा था। ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से वो रास्ता भटक जाता है और जंगल के रास्ते वो एक महल की तरफ पहुँच जाता है। जादुई महल होने के कारण दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और जेठालाल अंदर चला जाता है। जेठालाल अंदर चला आता है महल के। कितना सुंदर महल है, वाव, खाना भी है यहाँ पे, मुझे तो भूख लगी है, मैं थोड़ा खा लेता हूँ। इतना कह के जेठालाल वहाँ से कुछ खाना खा लेता है। तभी वहाँ पर एक राक्षस आ जाता है। जेठालाल थोड़ा सा घबरा जाता है। आप घबराइए मत, आप हमारे मेहमान हैं, जितना खाना खाना है खाइए और आराम कीजिए, फिर आप अपने घर चले जाइए। तभी जेठालाल को एक गुलाब का फूल देखता है। वो सोचता है एक फूल तोड़ लेता हूँ। जैसे वो एक फूल तोड़ लेता है, राक्षस को गुस्सा आ जाता है ये देखकर। तुमने ये गुलाब का फूल तोड़ा कैसे? अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम हमेशा के लिए यही रहोगे और यहाँ पे मेरी सेवा करोगे, समझे तुम? नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरे घर पे मेरी 3 बेटियाँ हैं, उनकी ख्याल रखना पड़ता है मुझे, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाने दो यहाँ से। तुम किसी और को यहाँ भेज दो मेरी सेवा करने के लिए, तभी तुम जा सकते हो, वरना तुम्हें हमेशा के लिए यही रहना पड़ेगा। ठीक है कहकर वहाँ से जेठालाल अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। जब मैं काम से लौट रहा था, तब मैं रास्ता भटक गया था और वहाँ एक महल में चला गया। वहाँ देखते ही मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया, मुझे भूख लगी थी। तभी वहाँ पे एक राक्षस आ जाता है और मैं गलती से उसका एक फूल तोड़ लेता हूँ। तो मुझे कहता है, तुम अभी यहाँ से जा नहीं सकते, तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा। मैंने कहा, मेरी बेटियाँ घर पर अकेली है, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। उसने कहा, किसी एक को भेजना होगा, तभी मैं आपको यहाँ से जाने दूँगा। ठीक है कहकर मैं वहाँ से चला आया। तब राधा बोलती है, ठीक है पिताजी, मैं जाऊँगी, आपने जब कहा है, आपने वादा किया है, तो मैं ही जाऊँगी वहाँ पे। नहीं बेटा, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं जाओगी। नहीं पिताजी, मैं ही जाऊँगी। इतना कहकर राधा निकल पड़ती है। राधा महल तक पहुंच जाती है। फिर राधा महल में अंदर चली जाती है। अंदर आने के बाद उसके सामने राक्षस आ जाता है। क्या तुम उस सेठ की बेटी हो जो यहाँ आया था? हाँ, मैं वही सेठ की बेटी हूँ और मैं वादे के हिसाब से यहाँ आई हूँ और मैं यही रहूँगी और तुम्हारा सारा काम कर दिया करूँगी। ठीक है, चलेगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, बताओ जरा? मेरा नाम राधा है। बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा, राधा। राक्षस से बात होने के बाद राधा अपने काम पे लग जाती है। राधा काम करती तो राक्षस उसको निहारता रहता, जहाँ राधा जाती वहाँ वो जाता। राधा की काम से राक्षस प्रसन्न हो गया था। एक दिन राधा से राक्षस पूछता है, जब से तुम यहाँ आई हो राधा, तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, समझे तुम। मैं तुम्हारा काम करने आई हूँ और मैं वो कर रही हूँ। तुम एक राक्षस हो और मैं तुमसे शादी करूँगी, तुमने ये सोचा भी कैसे। राक्षस जब भी शादी की बात पूछता तो राधा मना कर देती। ठीक है राधा, अब तुम अपने घर वापस लौट जा सकती हो, तुम्हें अब यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अपने पिता के घर वापस जा सकती हो। और एक बात, जब भी तुम मुझे याद करोगी, 3 बार राक्षस 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 बोलोगी तो तुम यहाँ आ जाओगी। ठीक है कहकर राधा वहाँ से अपने घर लौट आती है। राधा अपने घर वापस लौट आती है। पिता बोलते हैं, आ गई बेटी तुम, तुम्हें राक्षस ने छोड़ दिया। हाँ पिताजी, उस राक्षस ने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद राधा और राधा का परिवार खुशी से रहने लगे। कुछ समय बाद राधा को उस राक्षस की याद आने लगी। फिर वो राक्षस का नाम लेती है, राक्षस राक्षस राक्षस। इतना कहते ही राधा राक्षस के महल पहुंच जाती है। तभी उसके सामने राक्षस आ जाता है और कहता है, कैसी हो तुम राधा, फिर वापस आ गई, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई यहाँ पर। ठीक है राधा, अच्छी बात है, कुछ दिन यहाँ रुक के जाना। यहाँ पर आने के बाद राधा की तबीयत खराब हो जाती है और राक्षस उसका ख्याल रखने लग जाता है। राक्षस के ख्याल रखने की वजह से राधा जल्दी ठीक हो जाती है। राक्षस, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये क्या बोल रही हो तुम राधा, तुम तो कहती हो तुम राक्षस से शादी नहीं करोगी, तो फिर अब ये क्यों बोल रही हो? हाँ मैंने कहा था कि मैं राक्षस से शादी नहीं करूँगी, पर तुमने जिस हिसाब से मेरा ख्याल रखा उससे मैं तुमसे प्यार करने लग गई। तुम्हारा ख्याल रखने का तरीका, स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सच्चे दिल से तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं एक राक्षस हूँ राधा, ये तुम जानती हो ना? हाँ मैं जानती हूँ तुम राक्षस हो, तो क्या हुआ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सुनते ही राक्षस अपने असली रूप में आ जाता है। तुम कौन हो, तुम तो राक्षस थे, अभी ऐसे रूप कैसे बदल गया तुम्हारा? राधा मैं राजकुमार हूँ, मुझे श्राप दिया गया था राक्षस बनने का, इस वजह से मैं राक्षस बन गया था। जब भी कोई लड़की सच्चे मन से मुझे प्रेम करेगी और सच्चे मन से मुझसे शादी करना चाहेगी तभी मैं इस श्राप से मुक्त होऊंगा, ऐसा ऋषि ने कहा था। जब तुमने ये सब कहा मैं इस श्राप से मुक्त हुआ, फिर राजकुमार और राधा की शादी हो गई। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।